जबलपुर सहित पूरे महाकोशल में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है और लगातार स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से मेडिकल कॉलेज में इलाजरत 3 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। इन 3 मौतों के साथ ही स्वाइन फ्लू से हुई मौतों का आंकड़ा 11 तक पहुँच गया है। निश्चित रूप से कल की जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में 3 गंभीर मरीज जो स्वाइन फ्लू से ग्रस्त थे उनकी मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ विक्टोरिया अस्पताल में अभी सस्पेक्टेड में 1 स्वाइन फ्लू का मरीज भर्ती है, जिसका सैंपल भेजा गया है। कल की 3 मृत्यु को मिलाकर लगभग अभी 19 मौतें इस महाकोशल प्रांत में हुई हैं और अभी भी जो मरीज आ रहे हैं उनका हम लोग जो संभावित केस हैं उनका हम सैंपल ले रहे हैं और परीक्षण हेतु भेज रहे हैं एवं मरीज को, मरीज के परिजन को, कांटेक्ट को ट्रेस करके उनको उचित उपचार दिया जा रहा है। जो निश्चित रूप से जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जबलपुर के आसपास निश्चित रूप से बारिश का नितांत अभाव है, मौसम में आर्द्रता बढ़ी हुई है और मौसम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे स्वाइन फ्लू बीच बीच में हो रहा है। बचाव के लिए हाथ मिलाना निश्चित रूप से छोड़ें, बार बार हाथ धोते रहें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम है, वो स्वयं भी मास्क या रुमाल का उपयोग करें, दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचें। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण तेजी से स्वाइन फ्लू फैल रहा है, जिस पर नियंत्रण पाने में अब तक स्वास्थ्य विभाग असफल साबित हुआ है। जबलपुर से आदित्य खान की रिपोर्ट।